Hindustan, 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 और इस आइटम के लिए देश में रिपब्लिक डे मनाया गया है। यहाँ पूंछ में भी बहुत अच्छी तरह से रिपब्लिक डे हर जगह मनाया गया है, लेकिन कल यहाँ पे जो मेन स्टेडियम में जो कार्यक्रम हुआ, जिसमें एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया जहाँ पेश आया है कि हमारे तिरंगा जो है वो उसको उल्टा करके फहराया गया है, और सबसे बड़ी बात है उल्टा फहराया गया है, और सबसे बड़ी ये जो जजिस थे वहाँ पे, वो क्या जज कर रहे थे, उनका वो किस तरह से अपना वहाँ पे बैठे हुए थे, क्या परफॉर्म कर रहे थे, वो किस तरह से एंगल को देख रहे थे, और जजिस ने उस तिरंगा जो उल्टा था उसी स्कूल को उन्होंने फर्स्ट प्राइज दिया है। हम चाहेंगे कि इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसी सिलसिले में अभी हम यहाँ पे डीसी साहब से मिले हैं। डीसी साहब ने इस पूरे मामले का गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए डीसी साहब ने इंक्वायरी कमेटी बनाने के लिए बोला है, और जल्द से जल्द इसके ऊपर से कार्रवाई होगी, और जो जो भी इसके ऊपर दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तिरंगे के लिए पूरा हाँ देश इस समय निछावरा, पूरे बेल्ट फोर्सेस सभी हम तिरंगे के लिए आन बान शान के लिए हम मरने मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन तिरंगे का अपमान हम नहीं सहेंगे। हम चाहेंगे कि इसके ऊपर जो इंक्वायरी कमेटी बनेगी उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और जल्द से जल्द इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो। धन्यवाद। जैसे कि सोशल मीडिया में ये बताया गया, सोशल मीडिया में ये आ रहा है कि जामिया उलूम स्कूल है, जो जामिया उलूम जहाँ का यहाँ पे एक स्कूल है उसकी तरफ से ये जो झंडा है, बाकी झंडे ठीक तरह से फहराए गए, एक झंडा उल्टा था। हम चाहेंगे इसकी थारो इंक्वायरी की जाए, ये झंडा क्यों उल्टा था, क्या उसकी वजह थी, और जो जजिस थे वो क्या देख रहे थे, और उन्होंने उसी को फर्स्ट प्राइज दिया। हम चाहेंगे इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो अच्छी तरह से हो, जल्द से जल्द कार्रवाई का नतीजा आना चाहिए।